बहुत दिनों के बाद जो है कोरोना काल के बाद आज क्लास को स्टार्ट किया जा रहा है और आज मैथ्स आपको बतला रहे हैं। मैथ्स में जो जनरल होता है वो डेफिनेशन बहुत इम्पोर्टेंट है पार्ट, तो आज डेफिनेशन जो है आपको हम लिखवा रहे हैं। पहले समझ लीजिए इवेन नंबर, इवेन नंबर क्या होता है। इवेन नंबर का हिंदी हुआ सम संख्या। इवेन नंबर का हिंदी हुआ सम संख्या। अब सम और विषम दो तरह का होता है। सम मीन्स ऐसे हिंदी होता है इसका बराबर, सम मीन्स क्या होता है बराबर, और विषम मीन्स होता है बराबर नहीं, है ना। तो यहाँ पर जो है मैथ में इवेन नंबर कौन सा कहलाता है संख्या, इसको जानिए। ए नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई टू इज कॉल्ड एन इवेन नंबर। इसका हिंदी क्या हुआ ए नंबर। ए नंबर मीन्स क्या होता है एक संख्या, विच जो इज एग्जैक्टली डिविजिबल पूर्णतः विभाजित हुआ है, एक संख्या जो पूर्णतः विभाजित है यानी पूरा पूरा भाग लग जाता है बाई टू दो से, यानी वह संख्या जिसमें दो से पूरा पूरा भाग लग जाता है वह कहलाता है इवेन नंबर सम संख्या। अच्छा यहां पर एन का प्रयोग हुआ है, इवेन नंबर के पहले क्या लग गया एन, क्यों लगा एन बताइए तो। इसमें जो है भोवेल है ई से शुरू हो रहा, इवेन जो है ई से शुरू हो रहा है, इसलिए इसका इसके आगे हम एन का प्रयोग करेंगे। गुड, अब इसका हिंदी लिखेंगे, परिभाषा क्या करेंगे हिंदी में लिखेंगे। अच्छा इसका उदाहरण ले लीजिए, पहले एज में कौन संख्या है टू फोर सिक्स ट्वेल्व एक्सेट्रा, है ना, इतना बात समझ में। टेन भी होगा, बहुत सारा है, टू से डिविजिबल होने वाला सारा संख्या क्या कहलाएगा इवेन नंबर। टू का टेबल तो टेन तक ही आप जानते हैं, लेकिन उसके अलावा भी तो होता है, आगे भी तो होता है कोई भी संख्या। अच्छा कैसे आप पता करेंगे कि यह इवेन नंबर है, इसके बारे में जानिए, है ना। इवेन नंबर कैसे है, इसको कैसे हम पहचानेंगे, इसका मतलब क्या है कि हमें डिविजिबल लॉ जो है पढ़ना होगा। डिविजिबल लॉ हम जान जाएंगे तो हम पहचान लेंगे कि यह संख्या दो से पूर्णतः कटता है कि नहीं कटता है, और जब दो से पूर्णतः कटेगा तो वो क्या हो जाएगा इवेन नंबर। तो इसमें जो है डिविजिबल लॉ क्या कहता है, डिविजिबल लॉ मीन्स होता है विभाजकता का नियम, इतना बात समझ गए। अब विभाजकता का नियम बाई टू जिस संख्या के अंत में जीरो या सम संख्या हो वह दो से पूर्णतः विभाजित होगा, विभाजित होगा।
अब यहाँ पर बड़ी संख्या लीजिए 9, 7, 6 और अंत में 0 है, तो इसमें इतना बड़ा संख्या में किसको देखना है, केवल लास्ट नंबर को देखना है कि लास्ट नंबर क्या है। अब यहाँ 0 था तो ये 2 से विभाजित हो जाएगा। एक दूसरा नंबर हम लेते हैं 7, 6, 5, 5। अब इसमें क्या अंतिम नंबर है, 5, तो 5 में 2 से भाग लगता है पूरा नहीं लगता है, तो ये जो है इवन नंबर नहीं होगा, ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इसको जो है तो लिख रहे हैं तो देखने के लिए आपको चाहिए, तो अभी जो है इसको उतार लीजिए, ठीक है, अपनी कॉपी में इसको लिखिए, फिर इसको हम लिख, अच्छा इसका इसको इंग्लिश में लिखे हैं तो इसको भी इंग्लिश में लिख देंगे, है ना। ए नंबर विच एंड्स विथ 0 और इवन नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2, ऐसा लिखाएगा, ठीक है। चलिए इसको आप कॉपी में उतारिए, फिर हम आगे बताएंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे कि 2 से कैसे विभाजित किया जाएगा, जिस संख्या के अंत में 0 या सम संख्या हो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी, और जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी उसे क्या कहेंगे, इवन नंबर। इतना बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब आपको जो है इस पर आधारित प्रश्न को सॉल्व करना है, क्या करना है, प्रश्न को सॉल्व करना है। अब इसको मिटा देते हैं, यहाँ पर कुछ संख्या लिख रहे हैं हम, है ना। अब उसको आपको बताना है कि ये इवन नंबर है कैसे है, इसको बतलाना है। 428 इज दिस नंबर एन इवन नंबर और अदर नंबर, कौन सा नंबर है ये, इवन नंबर है, सम संख्या है कि दूसरा संख्या है, बतलाइए। इवन नंबर है, कैसे इवन नंबर हुआ, इसका लास्ट हम अंक देख रहे हैं तो 8 है, और 8 क्या होता है, 2 से डिविजिबल है, 2 से क्या है, डिविजिबल है। जब 2 से ये डिविजिबल हो रहा है इसका लास्ट नंबर, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, तो इस तरह से ये क्या हो गया, इवन नंबर, इट इज इवन नंबर, इट इज एन। बात समझ में आ गई कि नहीं आई। अब एक और संख्या लीजिए 617। अब इस ये इवन नंबर है कि नहीं है, ये तो इवन नंबर जांचने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लास्ट का नंबर हम देखेंगे। इधर में यदि हमारा 487 बड़ा नंबर लिखा हुआ है, फिर भी हम इसका लास्ट का नंबर हम देखेंगे, तो लास्ट में क्या है, 7, तो 7 2 से भाग लगता है इसमें पूरा 7 क्या है, इवन नंबर नहीं है। जब 2 से भाग नहीं लगता है तो इवन नंबर नहीं है, और जब ये इवन नंबर नहीं है तो ये भी 2 से पूरा नहीं कटेगा। लास्ट में इवन नंबर होना चाहिए, 2 से विभाजित होने वाली संख्या होना चाहिए, वही संख्या जो है 2 से पूर्णतः विभाजित होगी, और जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी वही जो है इवन नंबर कहलाएगा। इतना बात समझ में आ गया, तो ये इवन नंबर नहीं है, इट इज नॉट एन इवन नंबर। क्या होगा इसका, इट इज नॉट एन इवन नंबर। अब यहां देखिए 1110, अब यहां क्या हो गया, 0 हो गया, इसका लास्ट में क्या हो गया, 0 हो गया। तो 0 2 से विभाजित होने का नियम में क्या लिखा हुआ है, अंत में 2 0 हो या इवन नंबर हो, 0 हो या इवन नंबर हो, तो यहां 0 है, इसका मतलब ये 2 से पूरा कटेगा, और जब 2 से पूरा कटेगा तो ये क्या कहलाएगा, इवन नंबर। समझ बात आ गई कि नहीं आई। चलिए अब फिर अगले दिन जो है मैथ्स का टॉपिक में दूसरा परिभाषा आपको बतलाया जाएगा। आज की कक्षा यही समाप्त होती है। आप लोग जो है अभी 5 जो है मैथ्स सॉल्व करेंगे, बतलाएंगे कि ये इवन नंबर है कि ऑड नंबर है।
इवन नंबर है कि नहीं है सो बतलाएंगे आप। लिख लीजिए, नंबर वन में है 7610, नंबर टू में है 9955, नंबर थ्री में है 8543, नंबर फोर में है 7752, नंबर फाइव में है 8